तुम क्या करोगे जीजे? तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुम घर भी नहीं जा सकते, तुम यहाँ भी नहीं रह सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूँ मैं? क्या बोले जा रहे हो जीजे, मुझे भी बताओ, हाँ क्या बात है? अरे आप अभी भी यहीं पर हैं? आप बिल्कुल उस कप्तान की तरह हैं जो अपनी बोट से सबसे आखिर में निकलता है। मैं ऐसी बेवकूफी की बात कर रहा था। ये लव वाला प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ मिस्टर जान, ऐसे ही कुछ। चलो बाहर चलकर बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, मैंने अपना कोट कहीं पर रख दिया है। कहाँ रख दिया मैंने? बजने दो। ए, तुम इतना स्ट्रेस क्यों लग रहे हो यार? थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा फ्रीली बैठो। देखो तुम्हारे कंधे ऐसे झुक गए, आराम से उठ के बैठो। निकालो जैकेट तुम्हारा। अभी हम काम पर नहीं, तो मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करो यार, बस रिलैक्स करो, ठीक है? काम डाउन, रिलैक्स यार। हम यहाँ बाहर है और तुम इतने नर्वस होकर बैठे हो। ब्रो कोई यहाँ भी ध्यान देगा या नहीं? यहाँ आना जरा। हमारे लिए व्हाइट चीज, स्मोक्ड फिश, मेरे लिए इतना ही है। और फिश को ना थोड़ा कम ही स्पाइसी रखना, ठीक है? बाकी का ऑर्डर जेजे देगा, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है? इसका भी ध्यान रखना अच्छे से। बताओ जेजे क्या खाना चाहते हो तुम? बिंदास बोलो। बताइए सर। योगर्ट, ओके, एक प्लांट सलाद, ठीक है? और क्या करूं? और ये अच्छा दिख रहा है, क्या है ये? कुछ सॉल्टी है क्या? नहीं नहीं, उन्हें पता कि मैं ज्यादा सॉल्टी नहीं खाता, पर तुम टेस्ट कर सकते हो, मेरा टेस्ट इन्हें पता है। ये बहुत महंगे हैं इसलिए मैंने कहा। अच्छा महंगे इसलिए बोल रहे हो तुम? जे जे मैं यहाँ रेगुलरली आता हूँ यार, यहाँ पर मुझे काफी लोग जानते हैं, ये लोग मेरे दोस्त जैसे ही, तो तुम फिक्र मत करो, आराम से जो खाना है वो खाओ, सब कुछ भूल जाओ और बताओ क्या खाना है तुम्हें। ओके ठीक है, तो फिर ये लाना, ये लाना, ये लाना, ये सब लाना, और उसके साथ सेलरी भी लाना, और उसके बाद हॉट पेस्ट लाना, आर्टिचोक्स भी लाना, इतना बस है, बस हो गया। हाँ आर्टिचोक्स बहुत हेल्दी होते हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था ना तो हम साल भर में 40 आर्टिचोक्स तो खाए जाते थे। ओके, तो एक हमस भी देना, ठीक है? तो हमने करीब करीब सब कुछ ऑर्डर कर ही लिया है, आई डोंट थिंक हम इतना खा पाएंगे। तुम इतने यूज भी नहीं लग रहे हो, क्या सरप्राइज करने का इरादा मुझे? हम खा लेंगे मिस्टर जान, हम खत्म कर देंगे, डोंट वरी। हाँ ओके, सब कुछ ले आओ। जी हाँ जान। और हाँ, सब कुछ छोटी प्लेट्स में, बड़े पोर्शन होने चाहिए, ठीक है? बाकी कुछ चाहिए तो ऑर्डर कर लेंगे। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर दे दिया है मिस्टर जान, हो सकता है कि मैं फिश ना खा पाऊँ, इतना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, यू नो, ज्यादा खाने के बाद मुझे फिर तकलीफ होने लगती है। सोचना बंद करो जेजे। तो फिर एक काम करो, मेरे लिए प्रॉन्स भी ले आना। ओके हाँ प्रॉन्स खाएंगे। okay. तुम्हें समझ आ गया ना इसमत? उसको ग्रिल करके लाना, हॉट एंड स्पाइसी, और थोड़ा पेपर भी डालना, और अच्छे से ग्रिल करना, और जैसे जैसे डिशेस रेडी हो जाए तो वैसे वैसे लेकर आना, सब नोट डाउन कर लो। हाँ, ठीक है? और अब जल्दी से जाओ और खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। गुड इवनिंग सर। आर्टिचोक्स बहुत ही डिलिशियस है, और लो ना, और लो, सच में बहुत टेस्टी है, मजा आ जाएगा, ये लिवर के लिए अच्छा होता है। हाँ लेता हूँ। हाँ मिस्टर जान, हम लोगों को कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि इस तरह बैठकर बातें करें, हो सकता है कि आप मुझे कुछ सही एडवाइस दे सकें। हाँ लेकिन अभी बहुत देर हो गई है, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। काश ऐसा हो पाता कि हम पहले ही बैठे होते तो शायद बात कर पाते। हाँ हाँ सही है, लेकिन इसके बाद भी तो ऐसी परेशानी रहने वाली है। मुझे पता है कि आप जाने वाले हैं, तब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। आप सनम का ही देख लीजिए, वो क्या करेगी जब आप चले जाओगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारी एजेंसी, मैं, हम क्या करेंगे, पता नहीं। एक तरह से देखो तो आप
हम सभी को सजा दे रहे हैं मिस्टर जान। मैं जानता हूँ, पता है मुझे अभी क्या चल रहा है, हम टॉपिक चेंज करने में लगे हैं, जान को बदलने का सेशन। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, हम पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे क्या? यू नो, थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, हम फ्यूचर के लिए काम करते ना यार, ये डिफरेंसेस दूर करते हैं। ठीक है, इस बात को हम यहीं रोक देते हैं, लेकिन आपकी रिएक्शन बताती है कि आपको हमारी फिक्र है, फिर भी आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप भागना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बात कीजिए ना। और मेरा ऐसा मानना है कि आप चले भी गए तब भी ज्यादा दिनों तक रुक नहीं पाएंगे मिस्टर जान, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। तुम कहना चाहते हो कि मैं वहाँ पर नहीं रह सकता, मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं वहाँ से लौट कर वापस आ जाऊंगा, वहाँ कुछ कर नहीं पाऊंगा? ऐसा मत कहिए कि आप नहीं कर सकते। अरे बाप रे, मैंने कहा कि आप वहाँ नहीं रुक सकते, मैं खुलकर बोलता हूँ, आप सनेम से प्यार करते हैं और सनेम आपके बगैर नहीं रह सकती और आप भी नहीं रह सकते, ये इतना क्लियर है, सीधी सी बात है। अरे नहीं, सनेम तो बहुत खुश नजर आती है, वो नीचे काम करने लगी है, किसी प्रिंसेस की तरह रहती है वहाँ पर, वो बहुत कंफर्टेबल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये सच नहीं है, वो सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करती है, जैसे आप स्टबन है वैसे वो भी है, दोनों लोग स्टबन है, क्या करें? अरे नहीं, वो बहुत स्टबन है, तुम्हें पता नहीं, वो मुझसे ज्यादा स्टबन है, ठीक है, डोंट अंडरएस्टिमेट। इसमें तुम्हारा ध्यान ही नहीं है यार, देखो हमारी ग्लास खाली है, ड्रिंक लेकर आओ, अभी लाता हूं जल्दी। सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे गांव की स्पेशल ड्रिंक कौन सी है? हर एरिया की अपनी अपनी स्पेशल ड्रिंक होती है। हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो तुम्हारी वाली मंगवाते ना, बताओ जरा। मिस्टर जान, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। और उससे भी हाँ, वो भी पिएगा। मेरे लिए भी यही। मिस्टर जान, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम अभी दोस्त हैं अभी, लेकिन मैं फिर भी एक डिस्टेंस रखकर आपसे बात करूंगा क्योंकि मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। जे तुम खुलकर बात करो ना यार, ऐसे शब्दों के साथ खेलो मत, जो भी तुम्हारे दिल में ना बोल दो, ऐसे घुमा फिरा कर बातें मत करो, मेरे कान पक जाएंगे, सही बता रहा हूँ। क्या क्या बात है, बोलो ना, अभी शेयर करो ना, बैठे तो बात करते, उसमें क्या है? आप कुछ करते नहीं है, लेकिन लेकिन क्या आप भी हमेशा पास से ऑब्सेस रहे हैं मिस्टर जान। मैं मानता हूँ सनेम ने शायद मिस्टेक्स की हो, पास्ट में हो सकता है, लेकिन वो पास्ट में थी जैसे कि मैंने कहा, लेकिन आपको हमेशा पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अरे लेकिन उन्हीं गलतियों की वजह से जो परेशानियां हो रही है वो कैसे भूल सकता हूँ मैं, बोलो। अगर आपको मेरी परेशानी पता चलती तो आप कभी ऐसी बात नहीं करते, ये सब आयहान की वजह से हुआ है, वो मोटी है और बहुत बड़ी परेशानी भी, आपकी वाली तो छोटी है जिसको आपने बड़ी आसानी से किडनैप कर लिया, लेकिन मेरी वाली मैं कैसे किडनैप कर सकता हूँ, कैसे किडनैप करूँ मैं आयहान को, वो इतनी मोटी है, इतनी इतनी मोटी। गुरु मुझे अभी भी यहाँ पर पेन है, मुझे मसाज लेने की जरूरत है, चलो साथ चलकर मसाज लेते हैं, एक दिन हमें खुद के लिए भी बर्बाद कर लेना चाहिए, क्या कहते हो? यस मिस्टर जान, आज का दिन ऐसे ही बर्बाद करते हैं, मैं भी अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहता हूँ, जितनी मर्जी हो पीना चाहता हूँ। कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। जे जे अरे क्या कर रहे हो तुम, बैठो बैठो। जे जे यार ये तुम कैसी हरकत कर रहे हो, तुमने अभी पानी पिया, तुमने ड्रिंक पी भी नहीं है, ये देखो तुमने पानी पिया था उसी में तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम है क्या? लेकिन इसकी टेस्ट इतनी तीखी कैसी थी हा? आप अपने टेबल पर कोई दूसरा अच्छा पानी क्यों नहीं मंगवाते? अरे वाह, इसमें मिर्च ना, वो सिर्फ पानी है, अच्छा पानी, यू नो एक प्लेसिबो इफेक्ट है, बड़े ही दिमाग से बनाया है इसको, तुम काम डाउन करो, तुम और ड्रिंक मत करो। वो कहाँ पर देख रहा है, कहाँ देख रहा है वो? ए कहाँ देख रहे हो तुम, कहाँ देख रहा है वो? ए जे जे थोड़ी चाय पी लो, अच्छा लगेगा। जान मैं चाहता हूँ कि हम औरतों के बारे में बात करें, लेकिन आप ये नहीं चाहते, मैंने कहा कि बिजनेस के बारे में बात करते हैं, आपको वो भी नहीं चाहिए, तो फिर दो मर्द मिलकर क्या बात कर सकते हैं? बिजनेस की बात है यहाँ नहीं, ठीक है, हर एक चीज की अपनी एक जगह और अपना वक्त होता है, हम कभी भी काम डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब क्यों करना क्यों काम हर वक्त डिस्कस, चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो ना यार, ऑफिस से बाहर निकलो ना और हर चीज का अपना मजा लो, प्रॉब्लम क्या तुम्हें बताओ, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ, हमें फुटबॉल के बारे में बात करना चाहिए, पूरा टाइम लड़कियों के बारे में सोचने से थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, तो इस टेबल को तुम फुटबॉल की तरह अरेंज करके दिखाओ, कर सकते हो तुम?
फिर तो हमारी टीम क्राउडेड हो जाएगी मिस्टर जान। क्राउडेड ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो नेगेटिव बात की तुमने। नंबर की वजह से कभी ऑब्सेस्ड मत हो जाना, क्राउडेड टीम कभी भी अच्छी नहीं होती। तुम्हें कुछ खिलाड़ियों को निकालना पड़ेगा और सही खिलाड़ियों को चुनना पड़ेगा। तुम्हारे सिर्फ 11 बेस्ट प्लेयर्स होने चाहिए, जो भी तुम चाहते हो। समझ गया समझ गया। तुम्हें ये डिशेस यहाँ पर उस तरह से अरेंज करनी पड़ेगी, समझ गए? तो बताओ कि तुम इन डिशेस को कैसे अरेंज करोगी। ये एक दूसरे को पास करेंगे, शॉर्ट पास करेंगे जहाँ भी कम एरिया होगा। जैसी कोई स्पाइसी डिश होगी, ये सच में गर्म डिश है, तो हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे ग्रीन बीन्स के पास। तो हम सिर्फ एक ही पास से जीत नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी और को पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे ब्रॉड बीन्स के पास। तो उससे क्या होगा, हम मंजिल के थोड़ा और करीब पहुंच जाएंगे। तो इसे कहते हैं टीम मैनेजमेंट, यू नो, मतलब इसे कहते हैं कास्टिंग। ये एक आर्ट है, तो तुम्हें यही सीखना पड़ेगा जेजे। ये आर्ट तुम्हें होना चाहिए, कीप द बेस्ट और बाकी लोग को निकाल दो, समझ गए? आप तो बहुत ही पोएटिक बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने खुद को बड़ी अच्छी ही तरह से एक्सप्रेस किया है। मैं इस वजह से पासेस के बारे में सब कुछ भूल गया, मतलब मैं पूरी तरह उन पासेस के बारे में भूल चुका हूँ मिस्टर जान। बॉल किसको पास करेगा, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। जरा उस मूछ वाले को तो देखो, एकदम बिल्कुल पंक जैसा बेवकूफ लग रहा है एकदम। अभी ये आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, जरा देखो उसको। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, हमें भी बताओ, हम भी हंस सकें। हाँ, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं भाई, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। चल बाजू हट, उधर देख, चल उससे बात कर। तुम मेरी तरफ मत देखो, तुम देख रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, तुम ऐसे बैठे हो। ए चलना उधर देख, मुड़ के बैठ। उसके बाल तो देखो। क्या कहा, क्या हमने ऐसा कुछ ऑर्डर किया था? जवाब मत दो, वो बोलते रहेंगे। उसके बाल अरेबियन घोड़े के जैसे दिखते। लेकिन याद रखना, अरेबियन घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। उनको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ यही झगड़ा करने आए हैं। तुम्हें अपना कूल रखना होगा ना। हाँ, तुम्हें पता है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, बातें कितनी जल्दी फैल जाती है। तुम सोच लो, ध्यान रखूंगा मैं उनको, बताऊंगा कि उनको सच्चाई बिल्कुल नहीं। गर्ल्स में यहाँ बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। नहीं, मैं तुम्हें सूट नहीं करता, रिजेक्ट करने से पहले सोच लो एक बार। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टीरियस ब्लॉन्ड कौन हो सकती है? कहाँ से मिस्टीरियस ब्यूटी जो जान देवक के आगे बैठी है। मैं पिछले टेबल पर बैठा था, वहाँ से यहाँ तक आया हूँ। मैं जरा लड़कियों को करीब से देखना चाहता हूँ, क्या हम ये टेबल साथ में ले लें, ताकि हम आराम से बैठ के बात कर सकें और एंजॉय भी कर सके। क्या कहते हो तुम, क्या हम बैठे? क्यों भाई, तू तो अकेले भी एंजॉय कर सकता है। बस अब बहुत हुआ, आप हमें तब से डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले बात की, फिर गालियाँ दे रहे हैं, अब आगे क्या करने का इरादा है आपका? हा? शर्म करो यार, मैं आपको ऐसा इंसान दिखता हूँ क्या? मैं तो बहुत ही शरीफ हूँ। जरा इधर आना एक सेकंड प्लीज, मुझे लगता है उन लोगों का हो गया, तो प्लीज उनको बिल देकर यहाँ से बाहर भेज दो। ये तो हद हो गई। किस्मत ठीक है, मैंने सब सुन लिया है, समझा? और क्या कह रहे थे तुम, और एक बार बोल प्लीज। किस्मत हट साइड में प्लीज। क्या कह रहा था तू? प्लीज प्लीज, क्या कह रहा था तू मुझे? तुम इस्मत को क्यों मार रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? गिर गया एक ही झापड़ में। और तू क्या बोल रहा था? तुझे अभी सबक सिखाता हूँ मैं, ज्यादा छाना बनता है ना, अभी सबक। ले जाओ इनको बाहर, दिखने नीचे यहाँ पर। चलो उठो। नहीं छोड़ूंगा मैं इनको यहाँ से। सॉरी मिस्टर जान, मेरी तबीयत खराब थी। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ। Hey, sorry girls, वो यही भाषा समझते हैं। I was helpless. No problem. इसकी जरूरत नहीं है।
हमने उनकी अच्छी पिटाई की, इसी के लायक थे वो लोग मिस्टर जान। बहुत बढ़िया फाइट थी। मुझे पता नहीं था जेजे तुम इतने ब्रेव हो। मिस्टर जान मैं बहुत तेज हूँ, आप मुझे पकड़ नहीं सकते जब मैं फाइट करता हूँ। लेकिन इस कॉफी से बड़ा मजा आया, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने उन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाया मिस्टर जान, सच में। हाँ बिल्कुल, आई थिंक उन्हें उसकी सख्त जरूरत थी, पर मैं डिजर्व नहीं करता ना। आप क्या डिजर्व नहीं करते मिस्टर जान, क्या क्या डिजर्व नहीं करते? सनम ने जो मेरे साथ किया वो, जे मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार, तुम सोच भी नहीं सकते उतना। मैं उसको सबसे ज्यादा, हर चीज, हर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे इंसानों से ज्यादा माउंटेन्स पसंद है, लेकिन वो माउंटेन से भी ज्यादा। मैंने तिब्बत में माउंटेन देखे हैं, मैंने घने जंगल देखे हैं अमेज़न में। मैं खुद से ही कहा करता था कि मुझे इससे ज्यादा कुछ भी और एक्साइटिंग नहीं लग सकता है, लेकिन मैं गलत था। जे मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज है सनन, उसकी मुस्कुराहट, डिंपल्स। मैं कैसे उन डिंपल्स को किसी और चीज से एक्सचेंज कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है ना वो। लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, वो चली गई। तो बताओ जेजे, मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करें मिस्टर जान? एक्सक्यूज मी मिस्टर जान, बंद करने का वक्त हो गया है। हाँ। अपना कोट ले लो और चलो। यस मिस्टर जान। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, फिर मिलेंगे। इस्मत, सी यू। काम नहीं कर सकती। ये रेडी है। हटो वहां से, लाइट ब्लॉक हो रही है, ऐसे बीच में मत घूमो प्लीज। आपने अभी तक फोटो लेना शुरू नहीं किया क्या? सनम ये शुरुआती सेटअप है, इसलिए वक्त लग सकता है। I'm sorry, मेरी फ्लाइट है जो मुझे पकड़नी है, इसलिए इसको भी कंसिडर करना अच्छा रहेगा। वैसे तुम्हारी प्रेपरेशन हो गई और तुम्हें यहाँ शाम तक रुकना पड़ेगा। शाम तक पॉसिबल नहीं है, मेरी फ्लाइट है और वो मुझे पकड़नी है। मैं इस बीच जा रही हूँ ईद के साथ, और यहाँ इतनी देर मैं शाम तक नहीं रुक सकती। तुम नहीं जाओगी। माफ करना, क्या कहा मिस्टर जान? आपके भी फ्लाइट है, आपको भी बेलग्रेड जाना है, तब तो फिर आप भी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, मतलब शाम तक। ठीक है, मैं आती हूँ। रेड बहुत सूट करता है। थैंक यू सो मच। हाँ तो ये लास्ट था, देखो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शूटिंग रही। ओके थैंक यू सो मच गाइस, इट्स अ रैप। काम करके अच्छा लगा। थैंक यू मिस्टर जान, हमें भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात है जान, गॉड ब्लेस यू, ये कितना परफेक्ट लग रहा है। वैसे जान कुछ तस्वीरें हमें ट्राइपॉड से भी लेनी थी, है ना? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छे हैं जान, अगर वो सीधे दिखाई देते तो और भी अच्छा दिखते थे। लेकिन क्या बात है, क्या हाथ है, जैसा नाम सुना था बिल्कुल वैसा ही निकला। तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है जान, वेरी गुड। मिस पॉलिन, ये डिशेस तैयार है। हाँ मैं अभी आती हूँ। चलो मुझे भी प्रेपरेशन करनी है, मुझे जाना होगा। ओके कमान कमान, लेट नहीं होना चाहिए। क्या कहा?
सब लोग बिजी हैं, आप बिजी हैं, मैं बिजी हूँ, तो सारे काम टाइम पर होने चाहिए, मतलब लेट नहीं होना चाहिए। सनम तुम सूटकेस लाए हो, हम यहाँ से एयरपोर्ट निकलेंगे। लाई हूँ। गुड बाय। जान, कहाँ जा रहे हो? जान, जान, जान रुको, कहाँ जा रहे हो? जान, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम रुक ही नहीं रहे। सॉरी, मैं कुछ सोचने लग गया था। लगता है जान तुम डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जा रहे हो, है ना? तो फेयरवेल अभी कर लेते हैं ना, क्योंकि जान सब लोग अंदर ही है ना, मतलब एक पार्टी हो जाएगी और मैं भी जितना जल्दी हो सके अगले महीने वहाँ पहुँच जाऊंगी। पोलैंड मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने डिसीजन चेंज कर लिया है। मैंने सुबह ही लंदन में भी बात कर ली थी। लेकिन जान तुमने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया? मैं जाने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। आई थिंक पोलैंड, मैंने शुरू में ही कहा था कि गलती मेरी थी। पोलैंड मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ। उसने इरादा बदल दिया। इसने बदल दिया? जान, तुम्हें यकीन होगा इगेट, उसने अपना इरादा बदल दिया। सब कुछ तैयार था, वो बैल्कन्स जाने के लिए तैयार था और उसने अपना इरादा बदल दिया। ठीक है पॉलिन, तुम बैठो और सारी बात बताओ मुझे, लेकिन पहले शांत हो जाओ। और इसके बारे में तो तुम श्योर हो ना? सही बताना मुझे। हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने उससे बात की। मुझे लगा कि वो एयरपोर्ट जाएगा, लेकिन वो तो सीधा माउंटेन हाउस चला गया। यकीन नहीं होता। और जानते भी हो कि उसने मुझसे क्या कहा? कहा कि वो रेडी नहीं था जाने के लिए, वो इस्तांबुल छोड़ने को तैयार नहीं है। और पता है, इस्तांबुल बहाना नहीं है, बहाना है सनम, क्योंकि और कोई वजह ही नहीं है। हो सकता है कि कोई और ही रीजन हो इसका, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। काम डाउन, जल्दबाजी मत करो। और कोई रीजन नहीं हो सकता है कि, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि सनम ही वजह है। तुम ये बात सनम को बिल्कुल मत बताना, ओके? और यहाँ से लेकर उसे चले जाओ तब तक जब तक मैं जान को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। पोलैन, मुझे बाकी कुछ पता नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ, अब आगे का मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी जाना होगा, मेरी फ्लाइट है और वो मैं मिस नहीं कर सकती। ठीक है इकिट, मैं जैसा कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। सनम को यहाँ से लेकर जाओ प्लीज, जितने दिन हो सके उसके साथ बिताओ, उसे यहाँ जल्दी वापस मत लाना। तब तक मैं यहाँ पर जान को मनाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसके लिए गारंटी नहीं दे सकता, हमारा काम है हम उतना ही करेंगे। इसके लिए मैं कुछ सोचता हूँ, ओके? कुछ हो सकता है तो मैं देखता हूँ। देखो मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। ये कैसे हुआ? सनम तुम रेडी हो ना चलने के लिए? रेडी हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम एयरपोर्ट पे कॉफी पियेंगे। ठीक है। तुम्हारी सूटकेस कहाँ है? भूल गई। रुको मैं लाता हूँ। तुम्हारा बैग बहुत भारी है, तुम्हें फ्लाइंग से डर नहीं लगता? क्या कहा? प्लेन से? थोड़ा सा।
istemem solsun ümitlerin. Camdansa sözlerin, bileği bükülmez adaletin. Yemin olsun, yemin olsun, hiç unutmadım sevgilim. Teninse cehennemim, düşünmem koşarak gelirim. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma, yükümde derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma, yükümde derdimde aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez deva bize sevinçler. Kisi ek jagah tham jane se acha hai hum hamare hone ka saboot de ek saath rehkar. ये किसी मिराकल से कम नहीं है कि हमारी जिंदगी भी एक जगह नहीं रुकती. सच्चा प्यार तो बर्फ को भी पिघला सकता है, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए. लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे. बेखलियोरसुन बेखलियोरसुन अमर geçiyor sevdiğim. Şiirse marifetim, yalan yok, sensin kalemim. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma, yükümde derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma, yükümde derdimde aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez deva bize sevinç. आप मुझसे प्यार करते हैं जान, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ. हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं. हम मत करो सनम, क्योंकि अब हम नहीं रहे, समझी. हम एक दूसरे के लिए स्पेशल नहीं है, क्योंकि अगर स्पेशल होते ना तो आज हमारे साथ ये नहीं होता. ये मामूली बात नहीं है सनम, समझी. Benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma, yükümde derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma, yükümde derdimde aşktır. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो इज़मिर जा रही थी ना? मैं नहीं गई. क्यों नहीं? मुझे पकड़ो. सकी. जब मैंने सुना कि आप भी वहां नहीं जा रहे हैं तो मैं नहीं जा पाई, मैं यहां चली आ गई. कोई बात नहीं सनम, ऐसा मत कहो कि मुझे पकड़ो. अच्छा हुआ तुम नहीं गई.
आप भी तो नहीं गए? मैं तो जा ही नहीं पाया। अब से कोई इजमिर नहीं, बैल्किंस भी नहीं, मैडागास्कर, अमेज़न भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम और मैं। डील? सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। व्हाट्स इट? लेकिन मेरे लिए अभी भी इजमिर है। कैसे? मेरी मॉम को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इजमिर में हूँ, उनके हिसाब से मैं एक मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं अब घर नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी बात है। ओके, तो क्या हम आज रात माउंटेन हाउस जाकर रुक सकते हैं? जान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाओ, हॉट चॉकलेट। हाँ, हॉट चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट लव द टेस्ट। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। जान, जान, मेरी मॉम का कॉल है। हाँ तो पैनिक क्यों कर रही हो? आंसर करो ना, तुम्हारी मॉम ही तो है। ठीक है, लेकिन आप खामोश रहना। ओके मॉम? सैरम, तुम कहाँ पर हो? मॉम, मैं कहाँ हो सकती हूँ? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? कौन मुझसे, कौन क्या कहेगा? तुम तो मुझे कॉल करने वाली थी ना, तुमने तो किया नहीं, इसलिए मैंने ही कर लिया। मॉम, वो क्या है ना, एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और कोई किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं होटल पहुँचने का इंतजार कर लेती हूँ और बाद में आपसे बात कर लूंगी, इसीलिए मैं रुक गई थी। मैंने कहा था। वैसे वहाँ का मौसम कैसा है? ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, वो मार्च का वेदर। हेलो मॉम, हाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, मतलब पता नहीं बीच में गर्मी लग जाती है बीच में ठंड लग जाती है, बड़ा ही अजीब सा है पर मजेदार। हाँ, ये तो सही कहा, मार्च में ज्यादा ठंड भी नहीं होती और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, रात में थोड़ी ठंड लगती है। हाँ, एकदम सही कहा मॉम, मार्च में तो ऐसा ही होता है, बीच में ठंडी लग जाती है बीच में ही गर्मी लग जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। जल्दी स्प्रिंग भी आने वाला है, स्प्रिंग बहुत अच्छा होता है। हाँ मॉम, मार्च में ऐसा ही होता है। हाँ, समझ नहीं आ रहा। सैनम, सही कह रही हो, सही कह रही हो। हाँ, सही कहा मॉम। सैनम, ये कैसी आवाज थी? कार, वो एक चक्का बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है मॉम यहाँ पर, पता नहीं क्या होगा, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है मॉम। एक बड़ी सी गाड़ी आ गई थी। नहीं, एक कार। हाँ, एक कार आ गई थी और हम उसके साथ टकरा गए, पता नहीं एक कार का कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। और कैसा एक्सीडेंट, तुम कैसी हो? और पता नहीं ये ड्राइवर भी ना अजीब से होते हैं और सब लोग हमें ही ब्लेम किए जा रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा मॉम, किसी को कुछ हुआ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए मॉम। इसलिए जब भी तुम बाहर जाती हो ना, मुझे फिक्र होती है, और मुझे तुम्हारा ये बिजनेस ट्रिप पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी? अब चुप करके वापस घर आओ। ठीक है मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कॉल करूंगी जब भी जरूरत लगेगी, मैं आपको कॉल करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ना जब वहाँ से निकलोगी ना तो कॉल करना। हाँ ठीक है मॉम, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कॉल करूँ। जल्दी घर आना बेटा, ठीक है? ठीक है मॉम, अब फोन रखूँ मैं? अपना ख्याल रखना बेटा। चलिए। मैंने तो कहा ही था, कितनी फिक्र होती है इसकी, मेरी जान निकाल दी इसने, बहुत ही अजीब है। मैं खुश नहीं होना चाहती, लेकिन उसकी मुझसे कभी तुलना मत करिएगा। अरे नहीं, तुम तो उससे अलग हो, मेरी प्योरी बच्ची, बहुत अच्छी हो तुम। वेरी गुड। ये क्या था? अच्छा क्या तुमने? मैंने झूठ बोला? हाँ, तुम एकदम सीरियल लायर बन गई हो। नहीं, मैंने इतनी जल्दी कभी झूठ नहीं बोला है, और वैसे मुझे एक तरफ से बुरा लग रहा है कि मैंने मॉम से झूठ बोला, लेकिन एक तरफ से मैं खुश भी हूँ। अब कहाँ खो गए तुम? हाँ, क्या सोच रही हो बताओ मुझे, बोलो यार, मुझे भी जानना है। जान, आई लव यू सो मच, मतलब हमारे बीच का प्यार कभी कम ना हो। आई लव यू टू।
हमारे बीच प्यार कभी कम नहीं होगा, I promise, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मत जाइए जान, आपके दिलों की धड़कने कितनी जोर से सुनाई दे रही है मुझे, यहाँ तक सुनाई दे रही है। हाँ, हार्ट बीट, आई नो, मेरी हार्ट बीट हमेशा फास्ट ही होती है, मुझे अच्छा लगता है, मैं हर चीज पावरफुली यूज करना चाहता हूँ, मुझे पसंद है, मैं अपने दिल की आवाज सुनना चाहता हूँ। जान आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि हमारे हार्ट का शेप बिल्कुल ऐसा होता है। ये तो कुछ नहीं है, मुझे हमेशा लगता है कि धरती गोल नहीं प्लेन है। याद है कि जब बड़ा हो रहा था तब भी उन्हीं थॉट्स में रहता था। हाँ, उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि धरती प्लेन है। हाँ, ऐसा ही मानते थे उस टाइम के लोग, पता है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा होता था। पोलन को यहाँ से जाना होगा। क्या कहा? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, ये हार्ट चौक बहुत अच्छा है, यही कहना था। यहाँ जो भी पॉसिबल था मैंने वो बनाया, क्योंकि यहाँ कोई किचन नहीं है, इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाती है, यू नो, यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है। पर अगर यहाँ किचन होता तो मैं जरूर तुम्हें कुछ बनाकर खिलाता, यू नो, अंडे या ऑमलेट। क्या बात कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे तो अंडे बहुत पसंद, मुझे भी पसंद है। तो बताइए, पहले अंडा आया था या मुर्गी?